स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना 13th चैप्टर, दैट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम. क्लबिंग ऑफ इनकम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वी आर क्लबिंग सम इनकम. इसका मतलब क्या है, क्या रीज़न है, सो हम डिटेल में थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे. व्हाट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम? सबसे पहला पॉइंट है, जनरली एन असेसी इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम, बट sometimes in some exceptional circumstances the basic principle is deviated and the assessee may be taxed in respect of the income which legally belongs to some other person. Uske baad dusra karan ho sakta hai is clubbing of income ka. Earlier the taxpayers made an attempt to reduce the tax liability by transferring their assets in favor of their family members, jisse ki un pe tax kam lage. तो अपने एसेट्स को या अपनी इनकम्स को वो दूसरे के नाम शो करते थे. सो इन दैट केस आपकी गवर्नमेंट को नुकसान होता था क्योंकि उनको कम टैक्स मिलता था. तो जब ये सारी चीज़ें पकड़ में आती थी तो इसके लिए क्या किया गया, क्या लॉ बनाया गया कि वो जो दूसरे की इनकम आप दिखा रहे हैं वो क्योंकि लीगली आपकी इनकम है, दैट शुड बी एडेड अप इन योर ओन इनकम. तीसरा कारण है, सो टू कॉन्ट्रैक्ट such practices of the tax avoidance necessary provisions have been incorporated in under section 60-64 of the income tax act. Hence a person is liable to pay the tax on his own income as well as income belonging to the others on the fulfillment of certain conditions. Aur is pure process ko hum kehte hain clubbing of income. Aur jo income hum jodenge us income ko hum kahenge, that is clubbed income. सो बेसिकली क्लबिंग ऑफ इनकम है जब आपकी गवर्नमेंट को कहीं पे नुकसान नज़र आता है तो उसने कुछ लीगल प्रोविजन बना दिए हैं. इन दैट केस द लीगल पर्सन हम चुनते हैं और उसकी इनकम में किसी और की इनकम को हम जोड़ते हैं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग द क्लबिंग ऑफ इनकम, क्या कारण है? सबसे पहला है टू नो अबाउट द सर्कमस्टांसेस कि व्हेन द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब हम क्लबिंग ऑफ इनकम करें, इसको जानने के लिए. दूसरा, वो कौन से प्रोविजंस हैं जिनके अंतर्गत हम इसको किसी और के इनकम में जोड़ें. और तीसरा है, अंडर व्हाट हेड और कौन से हेड्स में हम इसको जोड़ें. तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें क्लबिंग ऑफ इनकम को डिटेल में जानना ज़रूरी है. नाउ देर आर सम टर्म्स, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, रिवोकेबल एंड माइनर. ट्रांसफरर सिंपल नाम से पता चल रहा है, द पर्सन हु ट्रांसफर्स एनीथिंग. ओके, सो ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया गया. रिवोकेबल, ही द राइट्स टू रीएक्वायर और टेक बैक एनीथिंग लीगली विच वॉज गिवन अर्लियर अंडर एन एग्रीमेंट और सेटलमेंट. आपने एग्रीमेंट करते समय ही आपने कुछ ऐसा मेंशन कर दिया कि जिसमें आपका राइट खत्म नहीं हुआ, आप जब चाहें उस एसेट को वापस ले सकते हैं. सो दैट इज नोन एज द रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट. माइनर, माइनर इज जो 18 साल की उम्र से कम है. सो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे बच्चे की अगर कोई इनकम है, दैट विल नॉट बी असेस्ड इन हिज इनकम, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उसके पेरेंट्स पे टैक्स लगेगा, जो उसका लीगल गार्डियन है उस पे टैक्स लगेगा, या पेरेंट्स में से जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी इनकम में माइनर सन की, माइनर चाइल्ड की इनकम को जोड़ा जाएगा. सो दीज वर सम ऑफ द टर्म्स जो हमें आगे यूज़ होंगी. सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली सिचुएशन की, एंड द फर्स्ट सिचुएशन इज अंडर सेक्शन 60, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट. Section 60 is applicable if the following conditions are satisfied. The taxpayer owns an asset. Ownership of the asset is not transferred by him. Asset to transfer kar raha hai, lekin ownership transfer nahi kar raha. The income from the asset is transferred to any other person under a settlement, trust, covenant, agreement or arrangement. सो बेसिकली क्या कर रहा है, वो ऑनरशिप तो अपना है, हक भी उसका अपना है, तो एसेट सिर्फ यूज़ करने के लिए दे रहा है या फिर इनकम को सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहा है इन द नेम ऑफ सम अदर पर्सन. द अबव ट्रांसफ़र मे बी रिवोकेबल और इट मे नॉट बी रिवोकेबल, बट देयर इज समथिंग फिशी. द अबव ट्रांसफ़र मे बी अफेक्टेड एट एनी टाइम, और वो ट्रांसफ़र जो है कभी भी ख़त्म किया जा सकता है.
तो ऐसे केस में आपकी जिसको भी आपने इनकम शो करी है वो उसकी इनकम ना मानते हुए हम ट्रांसफरर की इनकम मानेंगे और उसकी इनकम में इंक्लूड करेंगे. सो दिस वॉज द फर्स्ट सिचुएशन. सेकेंड है रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, यानी जब आप एसेट तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन उसमें साथ में कंडीशन लगा रहे हैं कि आप जब चाहें एसेट को वापस ले सकते हैं आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इवन. सो दिस ऑल्सो सीम्स टू बी फिशी एंड इन दैट केस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रांसफ़र इज ट्रीटेड एज रिवोकेबल ट्रांसफ़र. इफ़ एन एसेट इज़ ट्रांसफर्ड अंडर अ ट्रस्ट एंड इज़ रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, if an asset is transferred to a person and it is revocable during the lifetime of the transferee. तो इस केस में भी जो भी इनकम आपकी दूसरे व्यक्ति को होगी अगर वो पकड़ में आ जाता है कि रिवोकेबल ट्रांसफ़र है इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर. नेक्स्ट है हमारा when an individual is assessable in respect of the remuneration of the spouse. This is under section 64 subsection 1 subsection 2 section. This is applicable if the following conditions are satisfied. अब इसमें क्या हो रहा है, जो स्पाउस है उसकी इनकम को आप ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं. दिस इज कंडीशंस आर द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, ही और शी हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न. Spouse of the taxpayer is employed in the above mentioned concern because of that influence, because of that substantial interest. Yani jisne naukri wahan pe ki hai uski qualification ki wajah se usko naukri nahi mili balki substantial interest ya jo aapka influence hai uski wajah se aapke spouse ko wahan pe naukri mili hai aur uski wajah se usko salary mil rahi hai. Spouse is employed in the concern without any technical or professional knowledge or experience. Now in this case, अगर आपके स्पाउस को कोई भी सैलरी वहाँ पर मिलती है, कोई भी इनकम मिलती है, that will be included in the income of the spouse, जिसकी वजह से आपको नौकरी मिली है, यानी वो substantial interest वाला person, उसकी income में आपके spouse की income को include किया जाएगा. Next है इसी में continue हम करेंगे concern. Concern could be any form of business or profession. It could be a sole proprietorship, partnership or company. Substantial interest की अगर हम बात करें that you have more than 20% voting power. Relative आपका, relative in relation to individual means husband, wife, brother or sister. When both husband and wife have the substantial interest in a concern and both are employed by the concern without professional qualification, remuneration will be included in the total income of husband or wife whose total income excluding such remuneration is greater. सो ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे, यानी जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी इनकम में हम इस इनकम को जोड़ सकते हैं अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था. सो इन दैट केस ये जब हम अपनी क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस. अब आप एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने स्पाउस के नाम, लेकिन कैसे, क्या कंडीशंस हैं. इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अ स्पाउस becomes taxable under the provision that is of section 64(1) subsection 4. Now what are the conditions you are doing? The taxpayer is an individual. He or she has transferred an asset other than the house property. The asset is transferred to his or her spouse. The asset transfer may be direct or indirect. आपने directly transfer किया या indirectly किया. जो आपने asset transfer किया है या तो उसके बदले आपने कोई कंसिड्रेशन नहीं ली, और अगर ली है तो वो जेन्युइन नहीं है, और अभी आपका कोई तलाक भी नहीं हुआ, डिवोर्स नहीं हुआ, यू आर नॉट लिविंग अपार्ट. द एसेट मे बी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन अ डिफरेंट फॉर्म. तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएं तो उस एसेट से जो भी इनकम आपके स्पाउस को होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर. सो नेक्स्ट हम आते हैं इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ, दैट मीन्स योर डॉटर इन लॉ. नाउ इन दिस केस अगेन ये हमारा सेक्शन है 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 6. सो कंडीशंस क्या हैं, अगेन द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल,
ही और शी, यहाँ पे डेट हमें ध्यान में रखनी है, शी हैज़ ट्रांसफर्ड एन एसेट आफ्टर May 31, 1973. द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू डॉटर इन लॉ. ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड द एसेट इज ट्रांसफर्ड अगेन द सेम, ईदर विदाउट कंसिडरेशन और नॉट जेन्युइन कंसिडरेशन. द एसेट मे बी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी इन द सेम फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म. नाउ इफ द इनकम इज टू द डॉटर इन लॉ, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस. दिस इज अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 7. यस, अब आप डायरेक्टली अपने स्पाउस को वो एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे, बल्कि आप किसी थर्ड पार्टी को कर रहे हैं, लेकिन उसमें से बेनिफिट किसको मिलने वाला है, आपके स्पाउस को. सो दिस इज टोटली इनडायरेक्ट इनकम यू आर गेटिंग, यू आर गिविंग टू योर स्पाउस इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर. अब इसके लिए कंडीशंस क्या कर रहे हैं, द टैक्स पेयर इज अगेन एन इंडिविजुअल, ही और शी हैज़ ट्रांसफर्ड एन एसेट टू सम थर्ड पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ट्रांसफर मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. Asset is transferred for the immediate or the deferred benefit of his or her spouse. The transfer of asset is again without adequate consideration. So, when your spouse will be getting any income from that asset that you have transferred to the third party, okay? So, in that case, that will be included. Wo kiski income mein include hum karenge? In the income of the transferer. सो अगेन ये आपका ट्रांसफरर की इनकम माना जाएगा, क्योंकि आप इनडायरेक्टली अपने स्पाउस को बेनिफिट दे रहे हैं एंड यू आर अवॉइडिंग द टैक्स ऑल्सो. सेम अगर हम बात करें, सो इट इज़ फॉर योर डॉटर इन लॉ, अगेन सेम रूल्स हैं, सेम कंडीशंस हैं, अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 8. सो यहाँ पे भी आपका जिसने ट्रांसफ़र किया है, उसने किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करा है ऐसे फॉर द बेनिफिट ऑफ द दैट इज़ योर डॉटर इन लॉ, तो जो डॉटर इन लॉ को बेनिफिट होगा, सो दैट विल बी ट्रांसफर्ड, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर. लेकिन बिकॉज डॉटर इन लॉ का पॉइंट है, सेम वही डेट आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखनी है, दैट द ट्रांसफ़र शुड बी आफ्टर May 31, 1973. Now we come to the income of a minor child. This is under section 64, subsection 1A. All the incomes which arise or accrue to the minor child shall be clubbed in the income of his parent, whose total income, that is greater. However, in the case of the parents, if they are separated, the income of the minor will be included in the income of that parent जो उसको maintain कर रहा है, यानी जिसके पास वो minor child उनके तलाक के बाद रह रहा है. So next है, when the clubbing is not attracted, the following income will be taxable in the hands of the minor child. ये कब है कि जब हम clubbing नहीं करेंगे, जब minor child अपने किसी skill की वजह से, वो बहुत अच्छा singer है, वो बहुत अच्छा dancer है, अगर उनको, या बहुत अच्छा पेंटर है, इन दैट केस उसको अपनी इनकम अपनी स्किल की वजह से हो रही है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट, दैट विल बी द पर्सनल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. नाउ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी मैनुअल वर्क, ये वो सारी इनकम्स मैं बोल रही हूँ जो इनकम्स आपकी स्किल या आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपके माइनर चाइल्ड की इंडिविजुअल इनकम मानी जाएंगी, और ये हम क्लब नहीं करेंगे. इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल टैलेंट और स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो इनको हम क्लब नहीं करेंगे. इन केस द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स the income of his or her minor child in terms of the above provision. So, अगर आपके minor child के नाम पे आपने कोई property ली हुई है, या आपने कोई FD करवाई हुई है, कोई भी आपको income आपके minor child को हो रही है because of you, जो उसकी skill से related नहीं है, so in that case those incomes will be included in the income of the parent जिसकी income ज़्यादा है.
लेकिन जब आप उसकी इनकम इंक्लूड करेंगे तो हर माइनर चाइल्ड की, जितने भी माइनर चाइल्ड की इनकम्स आप अपने पेरेंट आप उसके पेरेंट की इनकम में इंक्लूड करेंगे, लेकिन इंक्लूड करने से पहले उसमें से एक डिडक्शन देंगे पर चाइल्ड, एंड दैट इज़ ₹1500 ऑन द इनकम विच एवर इज लेस। सो ये एग्जम्पशन देने के बाद आप क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे। नाउ नेक्स्ट, इसी तरह से टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सब्सिक्वेंट पार्टीशन। सो अगर कोई इंडिविजुअल की कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है एंड दैट इज़ कन्वर्टेड, वो उसने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पूल में रखी है फॉर द यूसेज ऑफ द ऑल द मेम्बर्स, लेकिन अगर उससे कोई इनकम होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इंडिविजुअल इनकम। नाउ इसके लिए भी हमें एक डेट याद रखनी है, क्या कंडीशंस हैं, मैं पढ़ने जा रही हूँ। वेयर एन इंडिविजुअल बीइंग मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कन्वर्ट्स आफ्टर, यस यू हैव टू कंसिडर दिस डेट, रिमेंबर दिस डेट, आफ्टर December 31, 1969 हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो उसने अपनी इनकम से कमाई है, वो आपकी बनाई है ऐसी प्रॉपर्टी जो उसने अपने पैसे से बनाई है, दैट इज़ नोन एज द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन उसको क्या कर रहा है वो, इनटू द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फैमिली, अपनी फैमिली को यूज़ करने के लिए दे रहा है। इट इज़ डन बाय इम्प्रेसिंग सच प्रॉपर्टी विद द कैरेक्टर ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सो हम उसके जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं, उसके साथ हम उसको यूज़ कर रहे हैं, सारे मेम्बर्स यूज़ कर रहे हैं, बट उससे कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट अगर आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को होगा तो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट विल बी कंसिडर्ड एज, उसको हम क्या मानेंगे, वो हम उस इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम में जोड़ेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग द ट्रांसफर बाय द इंडिविजुअल टू द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, देर आर सम एग्जाम्पल्स, ओके। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है, इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर। इन दिस केस इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी फ्रॉम द एक्रीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी और फ्रॉम एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी इज हाउएवर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। वेरी सिंपल, ए ने बी के नाम अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र किया, फिशी था, ठीक है, सो नेचुरली अगर उससे कोई इनकम होगी बी को तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ए। लेकिन फर्दर बी उस इनकम को कहीं और, सपोज करिए डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, ओके, सो डिबेंचर्स से जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी द पर्सनल इनकम ऑफ बी, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ए। सो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक्स ट्रांसफर्स अ सम ऑफ ₹10 lakhs टू हिज वाइफ विदाउट एनी कंसिडरेशन। मिसेज एक्स डिपॉजिट द मनी इन अ बैंक, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक ऑन सच डिपॉजिट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, यानी एक्स, क्योंकि वो डायरेक्ट इनकम से आपकी इनकम हुई थी उसके वाइफ को या उसके स्पाउस को। नाउ मिसेज एक्स purchases a house from the accumulated interest, जो interest उसने जोड़ जोड़ के उसने क्या किया, एक घर खरीद लिया। अब उस घर से जो rental income होगी, yes, क्योंकि वहाँ पर किसने दिमाग लगाया, Mrs. X ने, तो that will be included in the income of Mrs. X, not in the income of Mr. X. So Mr. X की income में क्या include होगा, सिर्फ interest, लेकिन interest को जोड़ के जो आपकी फर्दर उसने इनकम कमाई है मिसेज एक्स ने, दैट विल बी द पर्सनल इनकम ऑफ मिसेज एक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैन नेगेटिव इनकम बी क्लब्ड इफ क्लबिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल एंड इनकम फ्रॉम सच अ सोर्स इज नेगेटिव, इट विल स्टिल बी क्लब्ड इन द इनकम्स ऑफ द असेसी। यस डेफिनेटली इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द असेसी। सो अभी हम फिलहाल यहीं तक अपना ये चैप्टर करेंगे, दैट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम, एंड कल हम इसी चैप्टर को दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे विद द रेस्ट ऑफ सम प्रैक्टिकल्स एंड सम थ्योरी। सो थैंक यू।